अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड्स किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन लैम्ब चॉप्स। मटन लैम्ब चॉप्स को आज हम ओवन में भी बनाएंगे और ग्रिल में भी, तो आइए मेरे साथ सीखिए कि लैम्ब चॉप्स को हम घर में कैसे बना सकते हैं और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए 1.5 kg लैम्ब चॉप्स, 1 tablespoon हमें स्मोक्ड पेपरिका पाउडर चाहिए, 2 tablespoon योगर्ट, 1 tablespoon लेमन जूस, 1 tablespoon हमें ब्लैक पेपर चाहिए, 1 tablespoon जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चाहिए, 1 teaspoon हमें सॉल्ट चाहिए, 1 tablespoon हमें गरम मसाला चाहिए, 1 teaspoon हमें क्यूमन पाउडर चाहिए, 1 teaspoon हमें कोरिएंडर पाउडर चाहिए। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लैम्ब चॉप्स को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम लैम्ब चॉप्स के ऊपर इस तरह जो है वो सुराख कर लेंगे फोर की मदद से। इससे यूँ होगा कि हमारे मसाले जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह जो है वो चले जाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी और जूसी बनेंगी। इस तरह करने के बाद मैंने आपको अब जितने भी मसाले बताए हैं वो अब आप इसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आप इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इनको 3 hours के लिए फ्रिज में रखते हैं। अगर आप इनका टेस्ट और अच्छा चाहते हैं तो ओवरनाइट के लिए इनको फ्रिज में रखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक बेकिंग ट्रे लेंगे, उसमें हम ये सारी चॉप्स जो हैं वो उनको लगा देंगे। चॉप्स को लगाने के बाद अब हम जो है वो ओवन को प्री हीट कर लेंगे 220 degrees पे, और इन चॉप्स को हम जो है वो ओवन में लगाएंगे 1.5 hours के लिए। अब मैं फॉयल इसके ऊपर लगा के इसको अच्छी तरह बंद कर दूंगी, और बंद करने के बाद अब हम इसको ओवन में लगा देंगे तकरीबन 1.5 hours के लिए। 1.5 hours के बाद मैंने इन बेकिंग ट्रे को निकाला तो हमारी जो लैम्ब चॉप्स हैं वो तैयार हो चुकी थी। मैंने एक और बेकिंग ट्रे में इनको ट्रांसफ़र करके 10 मिनट के लिए और लगाया ताकि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। आप चाहें तो आप इस तरह ग्रिल के ऊपर भी इनको पका सकते हैं। तो आप इनको ग्रिल में भी बना सकते हैं, ओवन में भी, और बारबेक्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी लैम्ब चॉप्स जो हैं वो मज़ेदार और जूसी और टेस्टी तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसका लिंक अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगली रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।